हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था, शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि हमारा जो 134A है इस नियम को खत्म किया जाएगा और 25% सीटें जो हैं प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व रखी जाएंगी जिन परिवारों की आय जो है सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, इसके अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन पेरेंट्स की डिमांड पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है 134A को लेकर, और ये फैसला क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ में देखिए, मैंने दो पेपर की यहाँ पर कटिंग लगाई हुई है, आपका यहाँ पर दैनिक भास्कर है और दूसरा मैंने यहाँ पर दैनिक जागरण की कटिंग लगाई है। तो देखते हैं कि क्या कहा गया है 134A को लेकर। इसमें कहा गया है कि 134A के दायरे से बाहर होगी एक कक्षा हर साल। अब देखिए, हर साल एक कक्षा बाहर होगी का यहाँ पर क्या कहा गया है, पहली में RTE तो दूसरी से बारहवीं कक्षा में 134A के तहत ही दाखिले होंगे। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहा गया है कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स में दूसरी से बारहवीं कक्षा, ये आप ध्यान रखिएगा, दूसरी से बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जो 10% सीटें बच्चों के लिए रिजर्व थी वो 10% ही रहने वाली है अब। और हर साल देखिए 134A के तहत जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है वहीं पहली कक्षा में प्रवेश को RTE के अंतर्गत रखने का फैसला किया है। यानी कि हर साल जो है, देखिए, पहली कक्षा में जो प्रवेश दिया जाएगा वो RTE के तहत दिया जाएगा और प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए ही आरक्षित होगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहा गया है कि हर साल, ये सबसे बड़ी बात है, ये कहा गया है कि हर साल एक कक्षा को नियम 134A के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले अगले साल दूसरी क्लास बाहर हो जाएगी, फिर तीसरी, इस तरीके से 12 सालों में आपका जो 134A है उससे सभी कक्षाएं आपकी बाहर हो जाएंगी। ये थी बड़ी खबर 134A को लेकर। तो दूसरी से बारहवीं कक्षा तक जैसे आप 134A तहत दाखिले लेते हैं वैसे ही दाखिले लिए जाएंगे इस बार भी, सिर्फ पहली कक्षा को RTE तहत एडमिशन दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।